सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ये ब्लॉग आपको रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम काफ़ी सारी कटिंग्स लगाने वाले हैं। जैसा कि मॉनसून चल रहा है और अगस्त का सीज़न है, हालांकि रेंज तो अभी 3-4 दिन से नहीं हुई है, बट स्टिल मेरे पास काफ़ी सारी कटिंग्स रेडी हैं जिनको मैं आज अलग अलग पॉट्स में लगाने वाली हूँ। कुछ एक मिनिएचर गार्डन सा भी क्रिएट करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं लेके आती हूँ, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारी लोरोपेटलम की कटिंग्स लगा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों मैंने काफ़ी इसको प्रून किया था, तो इसकी कटिंग्स कुछ लगा दी थी और अब वही कटिंग्स जो है रेडी हो चुकी हैं। तो ये छोटे वाले मेरे पास 6 इंचज़ के प्लांटर हैं, ये प्लास्टिक के प्लांटर्स हैं, टेराकोटा कलर में जो आप देख रहे हो, इसमें मैं इसमें कटिंग्स इसकी लगा दूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर मेरे पास अभी भी जो कटिंग है बची हुई है, ये जो साइड में एक है, इसे भी फिर मैं बाद में लगा लूँगी। अभी थोड़ा छोटी है ये और मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स यहाँ पर लोरोपेटलम के रेडी हो गए। अभी ये कलर जो है ना मैचिंग हो रहा है ना, काफ़ी थोड़ा कंट्रास्ट में रहेगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैं बाद में इन पॉट्स को किसी और कलर में पेंट कर दूँगी, या फिर वाइट या फिर किसी और कलर में जो कि पर्पल के साथ अच्छा लगेगा, और तब ये ज़्यादा सुंदर लगेंगे गमले देख के। तो चलिए थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, वैसे मिट्टी तो गीली ही है लेकिन फिर भी पानी डाल देते हैं थोड़ा सा प्लांट्स को, एकदम जो शॉप में नहीं जाते फिर प्लांट्स। इनको ना फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा एक बुशी रखना चाहती हूँ, तो ये आप देखोगे कि एक जो कटिंग है काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से प्रून कर दी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये ज़्यादा बुशी हो जाएगा और ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। ये कटिंग मिल गई है एक और, तो इसे भी हम लगा देते हैं। इन्हीं में से किसी प्लांट में मैं लगा दूँगी नीचे के पत्ते। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक येलो कलर का ये कंटेनर खाली है, जो कि आई थिंक 14x6 इंचज़ इसकी जो डायमेंशन है, और 14th लंबाई है और 6 इंचज़ इसकी जो है गहराई है। तो आप ये देख पाओगे इसमें मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगा रही हूँ, थोड़ा सा एक मिनिएचर सा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और यह भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स यहाँ पर मेरे पास पर्पल हार्ट की हैं, तो वो लगा दूँगी। बड़ी बड़ी कटिंग्स पीछे की साइड लगा रही हूँ और फिर आगे के लिए देखेंगे कि कोई छोटा प्लांट जो मिलेगा जो सुंदर लगेगा इसके साथ लगा हुआ भी, और छोटी छोटी कटिंग्स जो होंगी वो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। फ्रेंड्स वन ऑफ द ईजिएस्ट प्रोपोगेटिंग प्लांट होता है पर्पल हार्ट, और छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स भी लगते हैं, और फ्लावर्स की जो शेप होती है ना, उसकी लीव्स की शेप होती है, वो थोड़ा हार्ट जैसी होती है, इसलिए इसका नाम पर्पल हार्ट पड़ा है। और कलर तो ऑफकोर्स आप देख ही सकते हो कि पर्पल है, और सीजर की हेल्प से मैंने छोटे छोटे होल्स बनाए और उसी में कटिंग्स लगा रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके साथ लगाने के लिए मुझे देखो ये बॉन्डिंग जू की कटिंग्स मिली। एक तो थोड़ा सा ये मैचिंग हो रही है, आपस में पर्पल पर्पल भी है और बीच में ग्रीन भी आ जाता है, तो इसलिए ये लगी हुई साथ में काफ़ी अच्छी लगेंगी। और ये कंटेनर की ग्रोथ तो आपने देख ही लिया, बरसात में ये बहुत अच्छा बढ़ता है और एकदम से ना मतलब लंबी लंबी हो जाती है। अगर आपने इसको सहारे से लगाया हुआ है ना, मतलब अगर आपने जैसे वॉल के सहारे से लगाया हुआ है, तो ये वॉल के ऊपर चढ़ती जाएंगी। तो काफ़ी सारी कटिंग्स इसमें से मिल गई है, लंबी लंबी कटिंग्स भी लगा सकते हो आप, बट मैं छोटी लगा रही हूँ ताकि ये पीछे जो पर्पल हार्ट लगी है इसके साथ देखने में ये अच्छा लगे। फ्रेंड्स, चलिए कुछ दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ पर आप देखो, ये है मदर ऑफ थाउजेंड्स का प्लांट है ना, जो आपको दिख रहा है। इसमें कितने सारे पप्स बने हैं, और इसके सारे पप्स थे ना जो इसके आसपास के कंटेनर्स में फैल गए। देखो, इसमें आप नज़र आ रहे होंगे आपको, ये सामने देखो प्लांट्स बन गए हैं, इसके नीचे तो ऑलरेडी हैं, ये भी इसके साथ लगा था, इसमें देखो कितने सारी बर्ड्स हैं। देन उसके बाद यहाँ नीचे देखो आप, यहाँ फ्लोर पर ये देखो टेरेस है जो हमारी, इसके फ्लोर पे देखो, यहाँ पीछे आप रैक के
पीछे देख पा रहे होंगे। और यहाँ नीचे की तरफ देखो कितने सारे पप्स बन गए, ये देखो यहाँ पे सब कुछ लग रहा है, पोर्चुलका भी लग रही है, मदर ऑफ थाउजेंड्स के प्लांट भी लग रहे हैं। और मैं इन सबको उठा के ना दूसरे कंटेनर में डाल देती हूँ। कुछ भी हो ना, अपने गार्डन से फेंकने का मन नहीं करता कुछ भी, मन करता है कि लगाते जाओ प्लांट्स, इतने हो जाते हैं बट फिर भी मन नहीं भरता। फ्रेंड्स ये एक और कंटेनर है जिसमें कि लास्ट सीज़न में मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज लगाई हुई थी, और लास्ट सीज़न में या फिर उससे पहले सीज़न में तो ये भी खाली पड़ा हुआ था। तो मिट्टी इसकी काफ़ी हार्ड हो गई है सूख सूख के, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और मिट्टी मिलाई है जो कि अच्छी है, भुरभुरी मिट्टी है, और थोड़ी बहुत इसमें कोकोपीट भी मिली हुई है। तो ये सारी मिक्स होकर अच्छी हो जाएगी, और मिट्टी में खेलना मुझे पसंद है तो मैं थोड़ा सा मिट्टी में खेल रही थी। इसके लिए मैंने देखो यहाँ पे ये आप देखोगे कैरम की कटिंग्स हैं, ये मैंने बस प्रून करके और इसके ऊपर रख दिया था। इनफैक्ट मैंने ये लगाई भी नहीं थी बट फिर भी इन्होंने रूट्स ले ली और बिल्कुल न्यू प्लांट्स बन गए हैं। तो आज इनका ट्रांसप्लांट करने का दिन आ गया, तो इनको निकाल के इस गमले में लगा देते हैं। रूट्स देखोगे आप कितनी अच्छी बन गई है, और ये कटिंग्स नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने रख दी थी और उसमें रूट्स निकल आई हैं, देखो अंदर तक चली गई हैं इसमें रूट्स। तो बस ये नए प्लांट्स तैयार हो गए हैं, इसको इस कंटेनर में लगा देते हैं, ये लॉन्ग वाला कंटेनर जो आप देख रहे हो। फ्रेंड्स अब बारी आ गई है इनको लगाने की, मदर ऑफ थाउजेंड्स को। यहाँ पे जो थोड़ी मोटी मोटी या बड़ी कटिंग्स दिख रही हैं इनको मैं निकाल लूँगी, और ये देखो ये हवा में लटक के ही ये चलती जा रही है, ये देखो ये कहीं भी गिरती है इस तरीके से वहीं पे एक नया प्लांट लग जाता है। ये है इस तरीके की कुछ कटिंग्स हैं, इनको मैं निकाल के और फिर आपको जो कंटेनर अभी दिखाया है उसमें मैं लगा देने वाली हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है वैसे इनको इस तरीके से निकालते हुए ना, क्योंकि ईजिली निकल जा रही है। फ्रेंड्स इनको अगर मिट्टी में लगाएंगे भी नहीं ना, सिंपल अगर मिट्टी के ऊपर भी रख देंगे ना तो भी ये आराम से इसकी रूट्स जो है ना वो मिट्टी में चली जाएंगी। और इसी तरीके से मैं करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इनको मिट्टी में नहीं दबाएंगे क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी है, ज़्यादा मिट्टी में दबा दोगे तो फिर रॉट हो जाएंगी इसकी लीव्स और प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। तो बस हल्का सा इसकी रूट्स को मिट्टी में जाने दें बस। सो फ्रेंड्स ये है आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कंटेनर्स एकदम तैयार हो गए, और उसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी बहुत सारी कटिंग्स हम लगा सकते हैं, सीज़न है तो आप जितनी कटिंग्स अपने गार्डन से लगा सकते हैं लगा लीजिए। अपने आस पड़ोस में से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके आस पड़ोस में कोई बागवानी करता है, कोई गार्डनिंग करता है तो आप उनसे भी कटिंग्स लेके लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ देखते हो। वैसे तो मेरे पास डेटा आ जाता है बट स्टिल स्पेसिफिकली अगर आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आने वाले वीडियोज़ में मैं रीड करके बताऊँगी। चलिए बाय बाय।